अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धानी, तूने तूने ध्रुव की बुआ पे पानी नहीं फेंका, हम सबके के कराए पे पानी फेर दिया, ने अपनी दीदी का रिश्ता तुड़वा दिया, क्या अनर्थ कर दिया तूने। मम्मी अच्छा, इसमें धानी की कोई गलती नहीं है, उसने उनको पलट के जवाब दिया था जो लोग उसकी दीदी और उसके घर वालों के लिए गलत बोल रहे थे। वैसे भी वो तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है, बस बाकी तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, वही हुआ है। ध्रुव जी ने खुद आकर शादी के लिए मना कर दिया, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है। सोचो अगर शादी हो जाती फिर बवाल होता, हम और ध्रुव जी दोनों परिवारों के बीच पिस के रह जाते, और जो शादी खुशी खुशी नहीं होती वो शादी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस जाती है। मम्मी, जब पता है कि गलती करके कल को पछताना पड़े, इससे बेहतर तो यही है ना कि गलती करे ही ना। मत रोइए, बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज मत जाइए ना, बुआ जी प्लीज प्लीज, बुआ जी रुक जाइए। हम आपको ये सामान भी पैक करने नहीं देते, आपके टिकट भी फाड़ के फेंक देते दीदी, घर छोड़ के जाने के बाद भी मुंह पे नहीं लाने देते, पर हम आपको नहीं रोक पाए, क्योंकि अगर आप रुक गई तो आपको लगातार आपकी आपकी बेइज्जती की याद आएगी, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता दीदी, इसलिए हम आपको नहीं रोकेंगे। तुम्हारे पापा ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक फैसला लिया, तुम सबको वो फैसला मुबारक, और हमको हमारा सामान, हटो सामने से। हुआ। पापा ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया, और फिर आपने फैसला लिया इस घर को छोड़कर जाने का, तो फिर हमने भी एक फैसला लिया। इन सारी मुसीबतों की जड़ हमें, हमारी शादी हो रही थी ना, थी मतलब? अब ये शादी नहीं होगी बुआ, इस रिश्ते के लिए मना कर दिया हमें, और अपना यही फैसला हम सृष्टि जी को सुना कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? वह ये घर, ये परिवार हमसे ज्यादा आपका है, और पापा ने वही किया जो हमने कहा, हमने पापा से कहा था कि हम सृष्टि जी को पसंद करते हैं, इसीलिए हमारी पसंद या हमारी कोई भी खुशी आपसे बड़ी है, आपसे ज्यादा नहीं हो सकती। इतना बड़ा हो गया, कांधे पे बिठा बिठा के खिलाया और बड़ा किया, इसलिए नहीं कि उम्र से पहले हमारी ही अर्थी निकाल देगा, हम ही को कांधे पे बिठा के छोड़ आएगा,
इतना बड़ा हो गया है तू कि साला हमारा फैसला ओवरटेक कर दिया। ए, काशीनाथ पांडे फैसला ओवरटेक कर दिया। हमसे तू है, तुझसे मैं नहीं हूं। हमने तुझे पैदा किया है, तूने हमको पैदा नहीं किया। तो सुन, हमारा समाज हमारी व्यवस्था में आंख में शर्म है, लिहाज है, संस्कार है, ये हमारी धरोहर है कि सबको रौंद दिया, एक ही मिनट में रौंद दिया। और इसी व्यवस्था के तहत जब तक बड़का घर में जिंदा है बड़ा फैसला लेता है, छोड़ा नहीं। जब तक तेरा बाप जिंदा है हम फैसला करूंगा, काशीनाथ पांडे फैसला करेगा, हमारी बहना फैसला लेगी, बड़े फैसला लेंगे, तू नहीं। जो रायता फैलाया है अब जवाब कौन देगा? अरे हिम्मत, जवाब दे अपने साथ चल के। सॉरी मां। अच्छा, रक्षा वाले दिन हमने अपने घर को अपने परिवार को दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखा। कैसे देखते हो? जो चीज बुआ को तकलीफ दे वो हमारी खुशी कैसे बन सकती है? हो सके तो माफ कर देना प्लीज। दीदी तो सारा दोष किस्मत पर डालकर चली गई, लेकिन हम दीदी को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें इस रिश्ते को फिर से जोड़ना ही होगा। एक्चुअली कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो उसी के लिए जा रही हूँ। इतनी सुबह सुबह? हाँ, तो अभी आज सुबह है, दुनिया के किसी और कोने में शाम हो रही होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन बिटिया, दुनिया के इस कोने में जहाँ हम रहते हैं, आज इतवार है, और इतवार के दिन कौन सी क्लास, कौन सा कॉलेज? वो पापा असल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उन्होंने संडे से ही शुरू कर दिया क्लासेस लेना एक्स्ट्रा। अब हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के जाना। जी, बाय बाय। ध्यान से जाना। जी। अच्छा गीता, हम भी चक्की होकर आते हैं।